वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th और एक्सरसाइज 7.4 के कुछ 9 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं और 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। ओनली वन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10 इज लेफ्ट। और ये हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट था। तो अब हम पहले एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के जो भी पेंडिंग क्वेश्चन हैं अबाउट 15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट उनको डिस्कस करेंगे। यह एक्सरसाइज 7.4 का एग्जांपल नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। और ध्यान से देखिएगा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स प्लस 2 बाय 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए, जब मैंने आपको शुरू में आइडेंटिटीज़ बताई थी, 6-7 आइडेंटिटीज़ बताई, 6 आइडेंटिटीज़ आई टोल्ड यू। और मैंने बोला था, कल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, कि नीचे हमारे पास दो ही टर्म्स मिलेंगी, एक एक्स के स्क्वेयर में और एक ए के स्क्वेयर में। ए मीन्स कोई कॉन्स्टेंट का स्क्वेयर और एक्स मीन्स कोई लीनियर टर्म का स्क्वेयर। तो उसी फॉर्म को यूज़ करके हम कुछ स्पेशल इंटेग्रल भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया है। उनमें एक ये स्पेशल इंटेग्रल है कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, आई विल राइट हियर एज सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि ऊपर एक लीनियर टर्म हो, लीनियर मीन्स रैखिक, जिसकी पावर एक है, और नीचे एक क्वाड्रेटिक टर्म हो। तो उस तरह का इंटेग्रल भी उन्हीं मेथड से, जो स्पेशल पर्टिकुलर इंटेग्रल हमने किया, उन्हीं से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए, ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक, तो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। तो एक तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव की पावर एक कम हो जाती है। वी ऑल नो व्हाट आई वांट टू से कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ऑलवेज क्या होती है, 2x। अगर किसी फंक्शन की पावर 2 है तो उसके डेरिवेटिव की पावर सर्टेनली 1 आएगी। तो ये नीचे 2 पावर है और ऊपर 1 है, तो ये ऊपर वाली टर्म समहाउ नीचे वाले का डेरिवेटिव हो सकता है। देखिए, वैसे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, हम रफली ट्राई कर रहे हैं एक बार, जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन, द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 × 4x प्लस 6 प्लस 0, यानी 4x प्लस 6, और ये है x प्लस 2। 4x आने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो 4x प्लस 8 बन जाएगा। उसमें से हम 8 में से 6 अलग कर दें तो 4x प्लस 6, यानी कि इस टर्म को हम इसके डेरिवेटिव में बदल सकते हैं। और उसका क्या बेनिफिट होगा, हमने ये आइडेंटिटी की थी कि f डैश x बाय एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो log ऑफ मॉड एफ एक्स होता है। क्लियर? यहाँ हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इसको इसके डेरिवेटिव में बदलें। बट इस तरह से हर बार भाई तुक्का लगाना, हिट एंड ट्रायल करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। कुछ ना कुछ चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है कोई फैक्टर वाली टर्म आ जाए, यहाँ पर रैशनल नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे। फिर से समझिए कि ये लीनियर टर्म क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होती है हमेशा, थोड़े चेंज के बाद अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम इसमें एक स्पेशल स्टेप हम लेते हैं कि लेट अस सपोज एक्स प्लस 2 इज ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 प्लस बी। मैं इस बात को आपको दोनों तरह से बता देती हूँ, डीपली भी और रफली भी। जिन्हें डीपली समझना है वो इस बात को समझें कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 4x प्लस 8 अगर 6 हमारा आ जाता तो हम 4x प्लस 6 को इससे डिवाइड कर देते और डेरिवेटिव बाय फंक्शन आ जाता। लेकिन 6 आने में 2 एक्स्ट्रा, तो 2 वाली टर्म को हम सेपरेट कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, लास्ट वीडियोज़ में भी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। तो मीन्स ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ना, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर बनेगा 4x प्लस 8, उसे मैं लिख सकती हूँ 4x प्लस 6 प्लस 2, और ये बन जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस, तो ये टर्म तो इसके साथ यहाँ सेपरेट हो जाएगी और ये टर्म इसके साथ, मतलब एक इंटेग्रल के प्लेस पर वी विल हैव 2 इंटेग्रल्स। और दोनों को अब हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, भाई ये एफ डैश एक्स हो गया आपका, ये एफ एक्स हो गया, और ये हमारा नीचे कम्प्लीट स्क्वेयर बन जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये
फैक्टराइजेशन करना, ये टुकड़े बनाना, ये एक तरह की सेटिंग करना, दिस इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल, हर बार इतना इजी नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपने क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म को लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। बी मीन्स कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट की जो कमी रह गई थी वो, इट मे बी प्लस माइनस नेगेटिव रैशनल कुछ भी हो सकता है ये। तो अब हम इसे देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आएंगी। ए ये बन गया 4x प्लस 6 प्लस बी, ये लीनियर टर्म है तो ये भी लीनियर टर्म है, तो ये बनेगी 4ax, मल्टीप्लाई कर दिया ना ए को, ए को इससे भी किया तो 6a प्लस, ये कांस्टेंट है एक ब्रैकेट में। अब ये देखिए कि ये लीनियर टर्म और ये लीनियर टर्म इक्वल है, व्हेन टू टर्म्स आर इक्वल तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट सेम होने चाहिए। भाई यहाँ x के साथ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, बराबरी। तो बराबरी का मतलब क्या है भाई, बराबरी तो तभी आएगी ना, समझ रहे हैं बात को। भाई ए एक्स जमा बी को मैं कह रही हूँ कि सी एक्स जमा डी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होना चाहिए और बी डी के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स हम लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट हम इधर, एक्स का कोफिशेंट क्या है 4a, और भाई इधर एक्स का कोफिशेंट क्या है 1, a क्या आ जाएगा 1/4। देखिए हमने यहाँ ट्रायल किया था तो उसमें भी 1/4 ही आया हुआ था, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। अब हम इस कांस्टेंट टर्म को बोथ साइड्स कंपेयर करते, ये भी सेम होना चाहिए, वो बात अब हम यहाँ लिखेंगे, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स, ओके। तो इधर हमारी कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस बी और इधर है 2, हम इसको इधर लिख लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 2 भाई, और a की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 1/4, तो 6 × 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, सिंपल एलजेब्रा है, ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू 2 − 3/2, 2 जब 4 में से 3 गए 1/2, बी की वैल्यू आ गई 1/2। इस चीज़ को समझे अब आप, इसको नेम दे दीजिए 1, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1, ओके। ए एंड बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखिए 1 में एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, अभी हम कैमरा की रेंज में हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6 प्लस बी फ्रॉम 1, ओके। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4, भाई ए की वैल्यू 1/4 है, इंटू 4x प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू है 1/2। अगर आप राइट हैंड साइड को खोलिएगा तो यू विल गेट x प्लस 2, हमें खोलना नहीं है, हमें इस फॉर्म को एज इट इज़ कहाँ यूज़ करना है, अपने इंटेग्रल में, इस टर्म को अब हमने अपने इंटेग्रल में यूज़ करना है, गॉट इट। नाउ i इज इक्वल टू, अब हम उसको थोड़ा i को मॉडिफाई कर रहे हैं, i क्या था x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, x प्लस 2 को अब हम इस फॉर्म में लिखें 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, गॉट इट। सेपरेट कर दीजिए, एक इंटीग्रल टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा। तो देखिए ये इस टर्म के नीचे भी ये आएगा डिवीजन में और इसके नीचे भी ये आएगा, तो देर विल बी टू इंटीग्रल, तो 1/4 बाहर एंड दीज टू 1/4 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, 1/2 बाहर, ये बन जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, ओके। तो जो ये हमारा i था ये हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो हम इसे कहेंगे 1/4, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं i1 एंड 1/2 इंटू i2, मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देती हूँ, ओके, गॉट इट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए,
पहले आई वन को कर लेते हैं, फिर आई टू को, दोनों इंटेग्रल की वैल्यू को यहाँ पर हम फिर से रिप्लेस करें। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट मैं कहूँगी मुश्किल नहीं है, और ये भाई यहाँ कट नहीं रहा है, ये अंडरलाइन किया था मैंने, तो ये बाय चांस ऊपर चला गया। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कई आइडेंटिटीज इसमें आ जाएंगी, कंपैरिजन आ रहा है, तो वो अब हम देखते हैं कि I1 इज़ वेरी इजी, 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। दूर से दिख रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, पुट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट 4x प्लस 6 ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। तो मैं यहीं कर देती हूँ भाई, इसको ये बन जाएगा dt बाय t, और ये बन जाएगा log mod t प्लस c1। c1 क्यों लिया भाई, क्योंकि i1 है, दो इंटेग्रल आएंगे, एक का कॉन्स्टेंट हम c1 लेंगे, दूसरे का c2। ये मैंने थोड़ा यहीं कर दिया भाई, आप अपनी फेयर नोटबुक में स्टेप वाइज करिएगा। log modulus of t हमने किसको रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू आ गई I1 तो बिल्कुल ईजी, हम डायरेक्ट देखिए इस मेथड से भी I1 को कर सकते थे। नाउ वी विल सॉल्व I2। ओके, तो I2 ले लेते हैं अब हम, I2 मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेस से देखकर। तो I2 हमारा क्या है, 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ओके, अब इसी में ना आपका 11th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी टाइप का है, तो जब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को स्किप भी करेंगे, वो आपने खुद ट्राई करनी है। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने ट्राई किए हैं, इस तरह के एग्जांपल्स थे, 9th एग्जांपल के पार्ट्स थे ये, इसे अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करके 2 पार्ट्स में लेके चलना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ 1 होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो इसको बाहर ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 आ गया। तो ऊपर तो 1, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर, इसे 2 से डिवाइड किया बन गया 3x, और इसे 2 से डिवाइड किया तो बन गया 5/2। अंडरस्टैंड, अब क्या बताया था कि हाफ ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर, एक्स का कोफिशेंट क्या है भाई, 3, हाफ 2 स्क्वेयर करिएगा 9/4। ये देखिए, तो ये 9/4, ये देखिए हाफ ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स 3/2 का स्क्वायर, 9/4 आप इसमें ऐड करेंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन गया 1/2 तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और मैंने आपको आइडिया दिया था कि जो भी टर्म हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे एक्स की टर्म के फौरन बाद डाल दीजिए, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट लगा दीजिए, थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन ऐसा करने से। और ये टर्म देखिए, ये यूं का यूं, ये टर्म यूं क्यों, 9/4 हमने ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी, तो ऐड मैंने यहाँ कर दिया, अब मैं इसको लिख देती हूँ 5/2, और फिर 9/4 को यहाँ माइनस कर देते, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि 9/4 से 9/4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो एक होल स्क्वायर टर्म हो गई हमारी, ओके, ये हमारा बन गया 1/2 इंटीग्रेट 1/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ओके, एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और प्लस इन दोनों को जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आप कर लीजिएगा, तो 2 × 4 10 माइनस 9, ये बनेगा 1/4, और 1/4 क्या हो जाएगा भाई, ये 1/2 का होल स्क्वायर डी। व्हाट इट, समझ आ रहा है आपको भाई, ये बन गया x प्लस 3, हम कर चुके हैं ये चीज़ तो, हम 9th एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, और ये डिफरेंस आएगा 1/4, जिसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ कि x प्लस 3/2 को z पुट कर लेती हूँ, ये हमने पीछे किया है पुट, तो जो dx है वो क्या बन जाएगा भाई, dz बन जाएगा, और जो ये हमारा I2 चल रहा था, ये I2 हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/2 dz बाय टी स्क्वायर प्लस 1/2 टी नहीं भाई जेड का स्क्वायर, देखा ये ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, तो ये आ गया हमारा जेड का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी मैं इधर लिख दूँ,
इंटीग्रेट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो वन बाय टू तो देखिए ऑलरेडी है, और अब हम आइडेंटिटी के लिए लगाएंगे वन बाय ए, समझे मेरी बात को। तो वन बाय ए का मतलब वन बाय टू, क्लियर। और भाई टेंजेंट इनवर्स जेड बाय ए, ए का मतलब भी वन बाय टू प्लस सी, ओके। तो ये देखिए टू इंटू वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, वन रह जाएगी ये टर्म, और ये हमारा टू ऊपर चला जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टू जेड प्लस सी टू, और जेड को फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स प्लस थ्री बाय टू टू जेड, तो टू आएगा यहाँ प्लस सी टू। इसे सॉल्व कर लीजिए, बल्कि 2 को आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी टू, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी आई टू की वैल्यू आई है, पीछे हमारी आई वन की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट आई वन एंड आई टू इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 आप देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो में पीछे ही है, तो वो बन रही है आई इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ आई वन प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आई टू। आई वन में आपको एक बार फिर से टैली करा देती हूँ, आई वन ये था हमारा लॉग मॉडुलस ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, और 1/4 यहाँ पहले से है, तो 1/4 ब्रैकेट लॉग, ये चीज अब हमने देखना है, ये लास्ट में अगर आप पेंडिंग छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 और 1/2, और ये हमारा बन रहा है भाई टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 log modulus of 2x² plus 6x plus 5 plus में ये टर्म पहले ले रही हूँ 1/2 tangent inverse 2x plus 3, और अब देखेंगे 1/4 c1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा c1/4, 1/2 c2 से होगा तो ये बनेगा c2/2, और इस पूरे कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे दूँ, c। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1/4 log modulus of 2x² plus 6x plus 5 plus 1/2 tangent inverse 2x plus 3 plus c। ये हमारा आ जाएगा example number 10, और इस example की help से आप अपनी exercise का 11th question, 18th question, 22 question आप कर सकते हैं, तो वो जब भी exercise आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगी कि आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 10, ओके। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11, उसे अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लेती हूँ, बाकी वो भी है थोड़ा डिफरेंट ही अपना एग्जांपल, तो 11 नहीं सॉरी एग्जांपल नंबर 10 का सेकंड पार्ट, वी विल डू एग्जांपल नंबर 10 पार्ट नंबर सेकंड। ये है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स प्लस 3 बाय 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी। फिर से वही पैटर्न आ रहा है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही तरीका है हमारे पास, लेट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, अंडर रूट नहीं लेना है हमने, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में बी, ओके। तो ये बनेगा ए, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4 प्लस 2x प्लस बी। टर्म्स आप कंपेयर करते चलें फटाफट से, तो ये बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए 2ax माइनस 4a प्लस बी, माइनस 4a प्लस बी। तो अब मैं थोड़ा इसे शॉर्ट में कराऊंगी, लास्ट पार्ट से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो 2a, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1/2, एंड व्हेन वी विल कंपेयर कांस्टेंट टर्म तो माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, माइनस 4 a के प्लेस पर 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 जा 4 माइनस 2, राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 5।
तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी की वैल्यू आ गई 5। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करें तो जो हमारी टर्म है एक्स प्लस थ्री फ्रॉम फर्स्ट, एक्स प्लस थ्री को मैं लिख सकती हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ, मैं इसको एक्स को आगे लिख लेती हूँ, 2x-4+5। आप टैली भी कर लीजिए ना कि देखिए x घटा दो जमा 5 तो x प्लस 3 आ जाएगा अपना। तो मीन्स इन द क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ x प्लस 3 वी विल राइट दिस। ओके, तो फ्रॉम i यूजिंग दिस वैल्यू इन i, तो i क्या बनेगा अब हमारा, देखिए x प्लस 3 बाय अंडर रूट ऑफ 5-4x+x2dx। ये बन जाएगा 1/2 × 2x-4+5। इसको यूज़ किया ना मैंने सेकंड को यहाँ, तो ये बन गया 5-4x+x2 का अंडर रूट भाई, साथ में क्या आ गया dx। ओके, सेपरेट कर लीजिए i को, 1/2 बाहर, ये बन जाएगा हमारा 2x-4/√5-4x+x2dx प्लस 5 बाहर, 1/√5-4x+x2dx। और लास्ट पार्ट की तरह हम इसे लिखते हैं 1/2 i1+5 × i2। I1 और I2 से अब हमें दो क्वेश्चन करने को समझने को, दो मेथड समझने को मिलते हैं। तो नाउ I1 को ले लीजिए, 1/2 को छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दिया हमने 1/2, बार बार लगाएंगे साथ में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखिए I1 ये रहा, ये बनेगा 2x-4/√5-4x+x2dx। अब ये दिखने में तो भी स्टेटमेंट जैसा ही लग रहा है आपको, यूँ लग रहा है कि ऊपर यहाँ x प्लस 3 था हैं और यहाँ 2x-4। अभी फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क बहुत बड़ा है इस डिनोमिनेटर में, जो टर्म है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है ये ऊपर वाला, कोई फ्रैक्शन नहीं बीच में, कोई जोड़ तोड़ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पुट 5-4x+x2 = z ले लीजिए, t ले लीजिए, डजंट u ले लीजिए, v ले लीजिए, तो इसका 0, इसका डेरिवेटिव -4+2x dx = dz, या ऐसे कहें 2x-4 dx = dz। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, dz/√z, या इसे आप कर लीजिए कि z^-1/2 dz। ऊपर चला गया इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगी, z^(1/2)/1/2+c1, तो 2√z+c1, और z को फिर से रिप्लेस कर दीजिए अंडर रूट में, ये आ जाएगा 5-4x+x2+c1 एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ कम टू I2 को अब हम सॉल्व करते हैं। I2 सेकंड डेरिवेटिव, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे अब हम। तो हमारा I2 क्या है, इंटीग्रेट 1/√5-4x+x2dx। अंडर रूट में तीन टर्म आ रही हैं जो कि स्फीयर में है, तो हम उसे होल स्फीयर में बदल कर, देखिए ये वाली आइडेंटिटी जो हमने की है ना, x²+-a² या a²-x² वाले जो आइडेंटिटी की, उनमें कन्वर्ट करना है भैया, वो मीन्स वॉट इट। तो इसको देखते हैं, कर भी चुके हैं हम 9th का जो थर्ड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह का था। तो आप देखिए, सबसे पहली शर्त होती है x² का कोफिशेंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ बाय चांस है, और ये पॉजिटिव है, तो मैं इसे आगे ले आती हूँ, मैं इसे ऐसे लिख दूँ x²-4x+, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोफिशेंट 1 है, x का कोफिशेंट है -4, हाफ का स्क्वेयर 2 × 4, 2 का स्क्वेयर 4, यानी यहाँ 4 ऐड करना है और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसकी बजाय मैं इसको 4+1 भी लिख सकती हूँ। तो ये हो गया x²-4x+4+1dx। ओके, तो
ये बन गया 1y अंडर रूट ऑफ ये टर्म बन गई x माइनस टू का होल स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर dx। आप इसको क्या पुट कर दीजिए, पुट x माइनस टू इज इक्वल टू टी, तो dx हमारा क्या हो जाएगा भाई dt। तो ऊपर वाली टर्म हो गई dt और नीचे हो गया t स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाला log मॉडुलस ऑफ t प्लस t स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस में भाई c2 बता दिया मैंने, सेकंड इंटीग्रल है तो c2 c1 दोनों लगाएंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे तो एक सिंगल बन जाएगा। t की वैल्यू x माइनस टू रख दीजिए तो i2 की वैल्यू आ जाएगी log मॉडुलस ऑफ x माइनस टू। देखिए इसको जब यहाँ x माइनस टू का स्क्वेयर रखेंगे, चलिए मैं रखी देती हूँ प्लस 1 का अंडर रूट प्लस c2, तो ये वही टर्म आ जाएगी जहाँ से हमने अपना ये क्वेश्चन शुरू किया था ये। ओके, तो i2 हमारा क्या बन जाएगा, log मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस c2। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अंदर वही टर्म आती है जहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 4 में हमारा आया था i1, तो पुट i1 एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में राइट कर दूं, यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी भाई, 1/2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ i2। तो 1/2 टाइम्स ऑफ i1 आ रहा था 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c1 एंड 5 टाइम्स ऑफ ये टर्म अभी हमने सॉल्व की है तो ये ब्रैकेट में ही लेंगे, लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस c2। इसे अब एक बार जल्दी से कंबाइन कर देते हैं, पूरी टर्म को एक ही लाइन में कर दूंगी हम मैं इसे कंबाइन, क्योंकि अभी इतना मुश्किल नहीं रहा। देखिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल एक टर्म बचेगी 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर, ये बनेगा c1/2 जिसे हम बाद में लिखेंगे, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस c आ गया। c कहाँ से आया, c1/2 और 5 को c2 से करोगे तो 5c2। तो एक लाइन बीच में मैंने स्किप कर दी है, वो आप देख लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एग्जांपल नंबर 10 के सेकंड पार्ट। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है जो कि हरियाणा बोर्ड में तो 6 नंबर तक में भी आ जाती है। क्लियर, अभी CBSE ने आज कुछ सिलेबस रिड्यूस भी किया है तो वो हम देखेंगे क्या किया है क्या नहीं। अदरवाइज कंपटीशन के लिए या हायर लेवल पर पढ़ने के लिए आपको मैथ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, NCERT तो मस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, सारे एग्जांपल्स ही हमारे हो चुके हैं और आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, नहीं आते हैं देन टेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।